देखिए आर्मी रूल 1956 और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है, वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है, जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है, और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। यह अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है। राजनीतिक लाभ के लिए सेना पर भी प्रशंसन खड़ा करते हैं, सेना के नियमों पर भी प्रशंसन खड़ा करते हैं, अग्निवीर योजना पर भी प्रशंसन खड़ा करते हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी कितना नीचे गिर सकती है।